हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हैं? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं ना? अरे बस सुबह अच्छी हो तो सब समझे कि शाम अच्छी होगी, शाम अच्छी होगी तो रात अच्छी होगी, रात अच्छी होगी तो दिन अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा तो आपके पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, पूरी जिंदगी बहुत बेहतरीन निकलेगी। शुरुआत करते हैं और सभी का स्वागत है सेशन को। जरूर सेशन को शेयर करते रहिएगा। मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी प्लान की हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा और आज 3 बजे, 3:30 बजे आपसे और मुलाकात भी करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक अपडेट बिल्कुल टाइम पर मिले और साथ ही साथ लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपके लिए IPS FO का बैच, नया बैच आने वाला है, इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं और इसमें आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी प्राप्त हो जाएंगी और इसकी सूचना आपको 3:30 बजे भी दे दी जाएगी। ओके, तो आपको ई बुक्स वगैरह भी मिलेंगी, तो डोंट वरी रहिएगा कि अब आपको अलग से कोई समस्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली इस कूपन कोड को लगा देना है, Y612A आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसमें प्री भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, नोट्स भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे, ठीक। ये आगाज 3.0 बैच है, ठीक है। इस बैच में क्या मिलेगा सर? इस बैच में आपको पूरी हॉर्टिकल्चर, पूरी बीड साइंस, पूरी एक्सटेंशन मिलेगी, जो कि बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। ये बैच 3-4 महीने में एक बार आता है, ठीक है। तो अभी ये बैच लगभग खत्म होने वाला है, अभी लगभग मतलब हॉर्टिकल्चर इसमें खत्म होने वाली है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगाज 3.0 के नाम से है, कूपन कोड सेम लगाना है, कुछ 700 या 650 के आसपास पूरा बैच मिल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच अखिल। चलिए शुरुआत करते हैं, लास्ट में आपको और अपडेट कर देंगे। हाँ, जो बच्चे MPRO की तैयारी कर रहे हैं, RHO की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बैच आ चुका है, ठीक है। आपको सिंपली अप्लाई करना है, Y612A आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको देखो दो चीज़ें हैं, इसमें वो भी रहेगा यानी 100 नंबर की एग्रीकल्चर भी रहेगी और 100 नंबर की GK GS भी रहेगी, ठीक है। यानी कि GK GS, मैथ, रीजनिंग जो भी आएगा वो भी पूरा कुछ रहेगा, आप इनरोल कर सकते हैं Y612A के साथ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट क्रॉप ग्रोन इन हाइड्रोपोनिक्स। पहली क्रॉप कौन सी है जो हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो की गई थी? टमाटर, पटेटो, कुकुम्बर या रेडिस? बढ़िया प्रश्न है। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, आपके होते हुए क्या दिक्कत हो सकती है? थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ सर, आई एम ऑलरेडी फाउंडेशन बैच परचेज कर चुका हूँ, मुझे भी बुक फ्री मिलेगा? बिल्कुल बेटा, मैं आज वार्तालाप करके, आज फिर वार्तालाप होना है, ठीक है, पूरा करके आपको रिवील करते रहेंगे। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्रॉप ग्रोन इन हाइड्रोपोनिक्स, कौन सी पहली क्रॉप है जो हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो की गई थी? देखो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स की बात की गई है, ये क्या होता है? एक ऐसा सर जहाँ पर सॉयल का कोई भी प्रयोग नहीं होता, वाटर के अंदर एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया जाता है और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ही क्या करता है, हम लोग क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम ने तैयार किया है उसी में हम क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, उसी को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोल देते हैं, ठीक है। आपके मन में आएगा कि फिर हाइड्रोपोनिक्स जो है किस भाषा का शब्द है? तो हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? हाइड्रोपोनिक्स जो है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक। और इसके लिए सबसे सुटेबल क्या है कि जो हम लोग pH का सोल्यूशन रखते हैं, मान लीजिए हमने ये जो सोल्यूशन तैयार किया था, एक न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया था, उसमें pH कितना रखते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग pH रखते हैं वो रखते हैं 5.2 से 6.5 के बीच में। तो 5.2 से 6.5 के बीच में उस न्यूट्रिएंट मीडियम का पूरे का pH रहता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो हाइड्रोपोनिक्स है ये बेसिकली या मेनली, ठीक है, मैक्सिमम एरिया इसका कहाँ पे है, ठीक। तो एक कंट्री है जहाँ जिसने ड्रिप इरीगेशन को डिस्कवर करवाया था, इसराइल। तो इसराइल में क्या है कि मैक्सिमम एरिया जो है हाइड्रोपोनिक्स का कवर किया जाता है, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि बताइए हाइड्रोपोनिक्स जो है इसके पिताजी कौन है? तो इसके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपके विलियम एफ गिरकी, ठीक है। क्या नाम है? WF गिरकी बोल देते हैं, मैं बंद कर लेता हूँ, WF गिरकी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, 3:30 बजे क्या होगा, जल्दी आप आ जाइएगा, अपडेट मिल जाएगी। WF गिरकी बोल देते हैं, ठीक है। ये कौन है? ये फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स है। तो हाइड्रोपोनिक्स में दो तीन बातें आपको जानकारी रखनी है कि WF गिरकी फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। ग्रीन आपका ये इसका जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है, 5.2 से 5.6.5 के आसपास इसका pH होता है सॉल्यूशन का, और इसराइल में सबसे अधिक इसका एरिया माना जाता है, ठीक है। क्या है? इसराइल में सबसे अधिक एरिया माना जाता है इसका, ठीक है। हाँ, अब देखो आपके मन में एक और डाउट आएगा कि सर जी, जो हमने इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया, जैसे मान लीजिए क्या है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो अब एक क्वेश्चन थोड़ा और डीप पूछ सकता है कि न्यूट्रिएंट मीडियम जो तैयार किया गया है उसको कितने दिन में रिप्लेस करते रहेंगे? क्या एक ही बार न्यूट्रिएंट मीडियम लगाएंगे वही मान्य होगा? तो देखो मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। न्यूट्रिएंट जो मीडियम होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है,
वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम कंटिन्यूस कल्चर बोल देते हैं, और एक होता है जिसे हम बैच कल्चर बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे तो कंटिन्यूस कल्चर ही ज़्यादातर प्रयोग होता है, पर हाइड्रोपोनिक्स केस में हम लोग बैच कल्चर का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि कंजेस्टेड एरिया हो जाता है। देखो होता क्या है, कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूट्रिएंट खत्म होता रहता है, वैसे वैसे हम लोग क्या करते रहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करते रहते हैं, ऑटोमेटिक न्यूट्रिएंट ऐड होता रहता है जैसे जैसे न्यूट्रिएंट की कंजप्शन होता रहता है। लेकिन जो बैच कल्चर होता है उसमें पूरा न्यूट्रिएंट जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर हम नया न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, ठीक है, फिर पूरा खत्म हो जाएगा फिर नया न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे। तो होता क्या है कि ये हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है, तो इसमें वाटर की जो क्वालिटी है बहुत, मतलब कि जो हमारा सोल्यूशन उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि जड़ें उसके अंदर रहती हैं, न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्व करती हैं, उसमें सब्सट्रेट को छोड़ती है, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी थोड़ी, सोल्यूशन की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है जिससे कि वो एब्जॉर्प्शन होने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके कल्चर को, नए कल्चर को बार बार ऐड करते रहते हैं या कहते हैं रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 से 3 बार, लगभग 3 से 4 बार हम लोग इस कल्चर को आराम से चेंज करते रहते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ बैच कल्चर एंड कंटिन्यूस कल्चर, बिल्कुल अतुल, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसको हम क्या करते हैं, लगभग आपका 4 से 6 दिन के इंटरवल, 4 से 6 दिन के अंतराल पर, 4 to 6 days के इंटरवल पर इसको हम बार बार क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए बहुत क्लियर तरीके से। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कितने प्रकार के होते हैं, तो वाटर कल्चर, ड्रिप कल्चर और ग्रेवल कल्चर, 3 प्रकार का हमारा हाइड्रोपोनिक्स होता है। एक कल्चर मीडियम कैसा तैयार किया जाता है, वाटर के अंदर सोल्यूशन में, एक ड्रिप ड्रिप करके हम लोग क्या करते हैं, बूंद बूंद करके पानी दे देते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मिला रहता है और वो उनको प्राप्त होता रहता है, ठीक है। एक होता है आपका ग्रेवल कल्चर, मतलब कि हमारा जो ग्रेवल्स होते हैं यानी कि हल्के हल्के जो पत्थर होते हैं उनमें जो है कल्चर तैयार करके हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम से बड़े तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो ये 3 प्रकार का कल्चर होता है। तो ये बहुत बेसिक जानकारी, इसको याद रखिएगा, ये 3-4 प्रश्न इससे बन सकते थे। हाँ, अब इसका प्रत्युत्तर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था कि टमाटर जो है वो पहली क्रॉप है जो कि हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ग्रो की गई थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों को, सबसे मेन चीज क्या होती है कि आपके अंदर थोड़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम इस क्लास में आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं पर जो ठहराव, जैसे अभी 40 बच्चे देख रहे थे, आप 35 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो ठहराव है ये आपके अंदर नहीं हो पाता। जब कोई चीज़ आप नई सीखते हैं तो ठहराव रखा करो जिससे कि आपके अंदर सीखने की क्षमता, बाबू, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो पर थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, द टर्म वाज कॉइंड बाय। अब देखो एफओ में प्रश्न क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, तो उसका आंसर हमने ऑलरेडी दे चुका है, पार्थेनोकार्पी। अब ये बोला द टर्म, ये टर्म किसने कॉइंड किया, तो ये आपके लिए थोड़ा नया हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न, आपका प्रश्न एफओ में इतना ही आता है, ये थोड़ा फैंटिस एमएससी में पूछता है, लेकिन अब आपको नया नॉलेज जब प्राप्त हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ बेटा से, बताओ बताओ, हाँ बताओ भैया, ओके। तो इसका प्रत्युत्तर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर नल, सोल, स्टाउट एंड नॉर्थ वाउट लिखा हुआ है, आंसर क्या रहेगा, नल। तो देखो नल ने क्या दिया था, इन्होंने पार्थेनोकार्पी वर्ड को क्वाइंट किया था, ठीक है, कब, 1902 में, क्या बेटा 1902 में। अब देखो कुछ लोग सुल भी बोल रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 1902 में इन्होंने इस वर्ड को क्वाइंट किया था, ठीक है। हेट्रोसिस जो वर्ड था, हेट्रोसिस, हेट्रोसिस क्या होता है सर, हेट्रोसिस का मतलब होता है कि जब बालक जो है वो अपने माता पिता से सुपीरियर पैदा होता है, ठीक है, मतलब जो F1 हाइब्रिड आया है उसके अंदर सुपीरियर क्वालिटी है, सुपीरियर कैपेसिटी है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है एक एक तरीके से, या उसके अंदर प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है कि उसने पेरेंट्स के कंपैरिजन में, तो उसे हेट्रोसिस बोल देते थे, ठीक है। ये वर्ड किसने दिया था, वो सुल ने दिया था, ठीक है, क्या बेटा, सुल ने शब्द को दिया था, ठीक है। एक वर्ड और होता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, क्या होता है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ये वर्ड स्टाउट ने दिया था, स्टाउट स्टेनोस्पर्मोकार्पी। अब जरा मुझे कमेंट बताइए कि स्टेनोस्पर्मोकार्पी किस फल के अंदर पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में, जरा मुझे कमेंट बताइएगा, तब तक मैं आपको 2-4 बातें और बताता हूँ। मुझे पता है आप लोग बच्चे धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बच्चे अब कम हो जाएंगे, लेकिन वो आराम आराम पढ़ेंगे क्योंकि रात वाली क्लास में हम लोग फास्ट पढ़ते हैं, रात को 8 बजे भी आप ही के लिए क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है, उसे थोड़ा हम फास्ट पढ़ते हैं, आज न्यूट्रिएंट के सिम्टम सीखेंगे। तो जितने बच्चे हैं रात को 8 वाली क्लास जरूर अटेंड करना। चलिए, तो हमने आपसे क्या कहा, हमने ये बात क्लियर कर दी। अब देखो जब फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोल देते हैं। लेकिन जब सीड का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तब उसे क्या बोल देते हैं, तब उसे बोल देते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपोमिक्सिस बोल देते हैं। और जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, एम्ब्रियो का यानी कि भ्रूण का, तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे पार्थिनोजेनेसिस बोल देते हैं। हालांकि एपोमिक्सिस का ही टाइप है पार्थिनोजेनेसिस, याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल सिंधु अच्छे आंसर दे रहे हैं, सिंधु के अंदर तो पाई जाती है, पर मैंने क्रॉप पूछी थी तो वो ग्रेप है, ग्रेप की एक प्रजाति है थॉम्सन सीडलेस, उसके अंदर भी भारी मात्रा में पाई जाती है। एक जामुन जो होता है, जामुन की भी वैरायटी है RS 1912 करके, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो नाम, उसे करके नाम है, उसके अंदर भी ये पाई जाती है, ठीक है, मैं एक बार देख बता दूंगा, जामुन के अंदर भी होती है।
हाँ, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो सिंधु प्रजाति के अंदर भी काफी ज्यादा होती है और ग्रेप की थॉमसन सीडलेस के अंदर भी ज्यादा होती है। सिंधु प्रजाति जो सीडलेस है, मेनली मैंगो की वरायटी है, उसमें बहुत छोटा सा सीड होता है, जैसे सिंधुआ सिंधुआ बोल देते हैं, बहुत छोटा सा सीड होता है, वो ड्यू टू स्टेनोस्पर्मोकार्पी होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर स्टेनोस्पर्मोकार्पी का मतलब क्या होता है? भाई आपने सुना भी होगा, हमने पढ़ाया आपको ऑलरेडी, पर अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। स्टेनोस्पर्मोकार्पी का मतलब क्या होता है कि देखिए, मेल थे, फीमेल मिले, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया, बट एम्ब्रियो का क्या हो गया? एबॉर्शन हो गया। तो ड्यू टू एबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो व्हेन फ्रूट हैव सीडलेसनेस कंडीशन, जब एम्ब्रियो के अबॉर्शन के कारण फ्रूट के अंदर सीडलेसनेस कंडीशन आ जाती है, तब उसे क्या बोल देते हैं? तब उसे स्टेनोस्पर्मोकार्पी बोल देते हैं। तो बहुत ही एक क्रूशियल, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, तो आपको याद याद रखना चाहिए। टेक ऐसे इसमें कई प्रकार की पार्थेनोकार्पी को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, नेचुरल पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अब ये चीजें कहाँ से आपको समझ में आएंगी? तो देखो, जब वेजिटेटिव का मतलब ये होता है कि एक तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव एक ही होता है, जब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होता है, ठीक है, हर एक चीज नेचुरल स्टिमुलेशन से ही कंप्लीट होती है, तो उसे वेजिटेटिव बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बनाना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बनाना पूछा जाता है कि बनाना जो होता है वो किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। नॉर्थ वार्ड की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्होंने काफी काम किया था, जहां तक है ऑर्गेनिक फार्मिंग उनका काफी नाम है। एक बुक लिखी थी, लुक टू द लैंड, जहां तक मुझे याद है, लुक टू द लैंड जो है वो इन्होंने किताब लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप एक क्वेश्चन से आपको 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्रूटॉन या प्लानोफेक्स इज अ ट्रेड नेम ऑफ, फ्रूटॉन या प्लानोफेक्स किस हार्मोन का ट्रेड नेम होता है? ऑप्शन है नेप्थिलीन, एफिटिक एसिड, टीबा, इथिलीन या आईवीए। ये भी बढ़िया प्रश्न है, आपको प्रत्युत्तर आराम से देना चाहिए। टेंटेटिव डेट क्या है? टेंटेटिव डेट अप्रैल के लास्ट में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हो सकता है। चाहिए फ्रूटेन एंड प्लानोफेक्स इज अ ट्रेड नेम ऑफ NAA, टीबा, इथिलीन या आईवीए। बहुत प्रत्युत्तर आराम से आपको देना है, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग, वो टाइम से बस आंसर देना सीख लो। लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए करो। देखो 53 बच्चा देख रहा है, आई नो बहुत बच्चे, प्यारे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, रेगुलर क्लास को इतना प्रेम दे रहे हो, वरना तो मैराथन को ही प्रेम मिलता है, हमने देखा है, पर आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो। लेकिन आप लोग लाइक बटन पे भी जरूर प्रेस करना चाहिए, जैसे कि आपका प्यार हम तक टाइम तक पहुंचे, ठीक है, तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दिया करो। बताइए फ्रूटेन एंड प्लानोफेक्स किसका ट्रेड नेम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब कुछ लोग इथाइलीन आंसर दे रहे, कुछ टीबा आंसर दे रहे, अंधी मार लो तुम नालायको, कम से कम अंधी तो ना मारा करो, हे भगवान। चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? NAA, क्योंकि NAA का जो है, जिसे हम लोग क्या नेप्थिलिक एफिटिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है, जो आपके सूट को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, हालांकि रूट में भी हेल्प करता है, तो वो क्या है? उसे हम फ्रूटॉन या प्लानोफेक्स बोल देते हैं। अच्छा, अगर बात हम लोग किसकी करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, टीबा की बात कर लें, ठीक है, तो टीबा का जो बेसिकली नेम देखा जाता है, ठीक है, हमने इसको लिख के रखा था, हमको दिख भी नहीं रहा है, हमने को पता नहीं कहाँ लगे, हाँ टीबा का, वो रिजाइन 8 के नाम से आता है, कि नाम रिजाइन 8 के नाम से आता है। तो टीबा जो मार्केट में आता है वो आपका रिजाइन 8, इस नाम से टीबा काफ़ी मार्केट में फेमस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनके अलावा अगर मैं आपसे पूछूँ, ठीक है, तो आईबीओ जो है सराडॉक्स के नाम से, ठीक है, आईबीए रूटेक्स के और सराडॉक्स के नाम से आता है, हाँ सराडॉक्स और रूटेक्स के नाम से आता है, ठीक है, ये मार्केट में इस नाम से काफी फेमस है। ठीक, अगर मैं और अगर दो तीन बातें करूं देखूं, ठीक है, जैसे कि और अगर देखूं तो यहाँ पर कुछ हार्मोन और हैं, जैसे कि ग्लाइकोफोसेट, ये राउंडअप के नाम से आता है, हालांकि ये मेनली यूज होता है उसी में। इथिलीन जो है इथोफोन है, एक ही नाम है। 2,4-D जो है प्लांट गार्ड के रूप में आता है, तो ये बहुत बेसिक नाम है। 2,4-D और ग्लाइकोफोसेट, ये आपको मेनली हर्बी साइड में मिलेंगे, तो वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर देख लीजिए कि टीवा जो है रिजाइम 8 के नाम से आता है, NA जो फ्रूटोन प्लानोफेक्स के नाम से आता है, ठीक है, IBA जो है रूटेक्स के नाम से आता है, और सैडॉक्स के नाम से भी आता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक आंसर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़े क्वेश्चन आपके लिए आउट ऑफ बॉक्स लग सकते हैं, आपको लग सकता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया, पर हाँ ये प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम आपको एनिमेशन तो नहीं दिखा सकते यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया जैसे हम PPT में आपको पढ़ाएंगे, पेड में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से इतना ज्ञान मिल जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन सीड ऑफ अनियन?
ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक मुझे याद है कि ये एफ में पूछा गया प्रश्न है, इसी बार अनियन में शायद ये किसी और में पूछी गई थी, फाउंडेशन या फर्टिफाइड किसी की पूछी गई थी फिलहाल, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपके सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं, इनको टाइमली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और मंडे को 11 बजे ये क्लास होती है, तो इस क्लास को टाइमली अटेंड करना है। मेरी आरएचओ की भी मैं स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ, रात को 8 बजे तो मैं क्लास लेता ही लेता हूँ, वो ऑल ओवर एग्जाम के लिए क्लास होती है, ऐसे ही आरएचओ की भी स्पेशल क्लास जल्दी लेके आऊंगा मैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आप इतनी इसी तरीके से क्लास को देखते रहिए और अपने आप को हाँ बनाए रखिए क्लास में। हाँ हाँ बेटा राहुल राज, हाँ हेलो हेलो बेटा, ठीक है। व्हाट इज द एफल एफ डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन सीट ऑफ अनियन, 1000 मीटर, 1600 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, आंसर क्या हो जाएगा? 1600 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1600 मीटर हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बताऊं कि देखो 1600 मीटर किसकी होती है? अनियन की होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं 1000 क्या होती है, तो ये सर्टिफाइड सीट की होती है। अनियन का जो फाउंडेशन होता है उसकी 1600 होती है, लेकिन जो अनियन का सर्टिफाइड सीट होता है उसकी कितनी होती है, ठीक है, उसकी होती है आपकी 1000। अब जरा मुझे कमेंट बताइए कि फाउंडेशन सीट का टैग कलर क्या होता है, जरा हम देखते कितने बच्चों को पता है। कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं टमाटर की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जो आपको याद याद रखना पड़ेगा। ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा सर्टिफाइड है। तो अगर मैं टमाटर की बात कर लेता हूँ, टमेटो की, तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि 50 और 25, 50 जो है फाउंडेशन की और 25 जो है सर्टिफाइड की लगभग सीटेड रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल 50-25 रखते हैं। वैगन की बात करेंगे तो 200 और 100, ठीक है। हाँ, तो वैगन की अगर बात करेंगे तो ब्रिंजल की अगर बात कर लेते हैं, ब्रिंजल की, ठीक है, तो 200 जो है फाउंडेशन की रखते हैं और 100 जो है वो सर्टिफाइड की रखते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनके अलावा बात करेंगे तो चिली में भी 400 और 200 रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल हाँ, वाइट बिल्कुल सही आंसर है। चिली की बात करेंगे तो 400 और 200 रखते हैं। तो देखो ये बहुत बेसिक प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न अच्छे से बन जाते हैं, आपको डेट पता पता होनी चाहिए बस। ओकरा के देखेंगे 400 200, ओकरा में भी तो चिली और ओकरा दोनों का सेम होता है 400 और 200। ओकरा का वाले वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ सकता है, बाकी ओकरा क्या है? क्वीन ऑफ वेजिटेबल होती है, ये भी आपको याद रखना है ताकि आप बहुत आराम से इसका प्रत्युत्तर दे पाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिंजल वैरायटी सुटेबल फॉर भरता मेकिंग, भरता बनाने के लिए ब्रिंजल की कौन सी प्रजाति बहुत सुटेबल है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इसका प्रत्युत्तर देना है कि ब्रिंजल वैरायटी सुटेबल है भरता मेकिंग के लिए कौन सी, BH2, पूसा नवनीत, पूसा बिंदु या अर्का हरित, बताइए फटाक से। अब अर्का हरित तो बैंगन की प्रजाति ही नहीं है, अर्का हरित जहां तक मुझे याद है करेला की प्रजाति है, पूसा हरित किसकी है? पालक की है, और अर्का हरित किसकी है? करेला की है, ठीक। तो आपका एलिमिनेशन राउंड और सही हो गया कि अब आपको पूसा बिंदु, पूसा नवनीत और BH2 में से लगाना है। तो यहाँ देखो मैंने बोल दिया कि डी नहीं है, फिर भी देखो नालायक और अर्का हरित बोल रहे हैं, साक्षी ठीक है, इतनी नालायक लड़की है ये, देखो है दुष्ट। चलो बताओ ब्रिंजल वैरायटी सिर्फ भरता में कि BH2, पूसा नवनीत, पूसा बिंदु, अर्का हरित, बोलो बेटा फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। हाई यील्डिंग वैरायटी है ब्रिंजल, पूसा नवनीत, हाँ हाई यील्डिंग हो सकती है, ठीक है। और सुनो जो हमारी पूसा नवनीत वैरायटी है ना, ये कैसी है, मतलब इसमें कोई डिजीज वगैरह अटैक नहीं कर पाता आसानी से। हाँ अब यहाँ पर देखो पूसा बिंदी भी आंसर आ रहा है, बिंदु, अरे नालायक को BH2, इसीलिए हाँ अखिल को है, बिल्कुल सही आंसर है, नालायक बढ़िया लड़के का, और साफ सी सी आंसर देते बिंदु बिंदु बिंदु, हाँ लिखो आंसर BH2, ठीक है BH2 लिख लो इसको, ठीक। तो ये BH2 जो है ये भरता बनाने के लिए सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है, ठीक। तो इसको अभी नोट कर लेना, क्योंकि अगर ये तुम क्वेश्चन गलत करके आए तो धुनेंगे तुम सबको, एक जैसे लाइन से धुनेंगे। हाँ 50 लाइक नहीं किया तुम लोगों ने, 8 लाइक बाकी, तुरंत लाइक कर दो बटन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच फ्रूट कैन यूज मैकेनिकल मेथड ऑफ प्लांटिंग, किस फ्रूट में मैकेनिकल मेथड ऑफ प्लांटिंग यूज कर लेते हैं, बताइए फटाक से। बोलो भैया, नोट किया? हाँ बिल्कुल नोट कर लो, नोट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ओके क्या रहेगा? बेर, बेर में मैकेनिकल जो है हम लोग प्रयोग कर देते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। हाँ अब हम कुछ रैपिड क्वेश्चन करेंगे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे, ये कुछ रैपिड प्रश्न है जो कि मैंने लास्ट में रखे हुए हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है, ठीक है,
तो ये प्रश्न हमने आपके लिए अलग से रखे हुए थे, वो हमने आपके लिए स्पेशल प्रश्न बनाए हुए थे। ऐसे मैं हर मंडे को या मेरी जब भी हफ्ते में दो बार क्लास हुआ करेगी तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कुछ प्रश्न अपने बना के आपको स्पेशल प्रश्न कराया करूंगा, फिर मैं रैपिड प्रश्न कराया करूंगा। तो आपको 25-30 मिनट की क्लास में सब कुछ मिलेगा, रैपिड रिविजन भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ऐसे ही रात को 8 बजे भी करेंगे। रात को 8 बजे आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उस क्लास को ज्वाइन जरूर करना। बताइए पिस्ता बिलोंग टू द फैमिली, पिस्ता किस फैमिली से बिलोंग करता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब मैंगो और काजू दोनों एनाकार्डियेसी फैमिली से भी और बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्योंकि आप रुकना नहीं है, रैपिड फायर राउंड 5 मिनट का होता है, तो आपको तेजी से आंसर देने पड़ेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी यानी कि ऑक्टोप्लॉइड 80 गुणसूत्र होता है किसके अंदर, बेलाइकोलम्बन के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाक से। अगला प्रश्न है ग्रेनुलेशन सीडेड प्रॉब्लम, दानेदार बनना गंभीर समस्या किसकी है, या ग्रेनुलेशन एक गंभीर समस्या किस फ्रूट की होती है, सिट्रस मैंगो ग्रेप स्ट्रॉबेरी। फटाफट 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 आंसर दो। जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता देता हूँ कि बेटा स्टार्टिंग से क्लास को ज्वाइन किया करो, फिर लास्ट में क्लास थोड़ा एकदम से थोड़ा स्पीड पकड़ती है क्योंकि क्वेश्चन कराने रहते हैं। आंसर क्या आएगा, फिल्टर्स इसका प्रत्युत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं फटाक से देखिए, झुमका गिरा अरे नहीं सॉरी झुमका इन मैंगो इज काज ड्यू टू, झुमका मैंगो में किसकी वजह से कॉज होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वाटर स्कैर्सिटीज होता है, इनमें से किसी से नहीं होता। बताइए फटाक से ऑल ऑफ दिस जिसमें ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर क्या लगाना है, बताइए झुमका इन मैंगो कॉज ड्यू टू, बोलो फटाफट फटाफट बोलो फटाफट बोलो, लाइक बटन में प्रेस करते रहो, फटाफट बोलते रहो। आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए यानी कि इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन की वजह से यह समस्या होती है। इसका लो टेम्परेचर से भी झुमका कॉज होता है, पर ऑप्शन में हाई टेम्परेचर तो हम लोग इसको आराम से अवॉइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड वैरायटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अनारदाना प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ऑफ पोमग्रेनेट, बताइए इनमें से कौन सी, अनारदाना एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है पोमग्रेनेट का, अनारदाना बनाया जाता है। आपको ये पूछना है कि पता है कौन सी वैरायटी अनारदाना के लिए बहुत फेमस है, फटाफट 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 आंसर देने हैं, बहुत तेजी के बाद, बहुत तेजी बाद आंसर बेटा, बहुत तेजी के साथ, ठीक है, 5 मिनट रैपिड फायर आपको बहुत तेजी से खेलना पड़ेगा। आंसर क्या रहेगा बेटा इसका, इसका आंसर रहेगा दारू। दारू एक वाइल्ड पर्पज वैरायटी है, अनारदाना के लिए बहुत फेमस होती है, इसे बोलते हैं दारू, 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 दारू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट नॉर्थ इंडियन कल्टीवेटर मैंगो, इंडिया में नॉर्थ मतलब हमारे जो ज्यादातर इंडिया में नॉर्थ यानी उत्तर भारत में जो वैरायटी मैंगो की उगाई जाती है उनमें अल्टरनेट वीरिंग होती है, पॉलीमेलानिक होती है, बोथ होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। फटाफट 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 प्रत्युत्तर दीजिए। हाँ फिर मैंने मार्च में एमएससी कब लिया था उसमें जीके जीएस की क्लास नहीं है बेटा, पंडित गेमिंग जीके जीएस की क्लास में ऐड करा दी गई है। और दूसरी चीज, जब आपने बैच लिया था उसमें बताया बिल्कुल नहीं, उसमें नहीं कहा गया था जीके जीएस हम लोग ऐड कराने, फिर भी एडिशनल हमने ऐड करवाई है, ठीक है, एडिशनल हमने ऐड करवाई है हमें सेंटेंस की, उसमें बिल्कुल नहीं कहा गया था कि आपको जगह मिलेगी, आपको इधर कचरी मिलेगी, लेकिन हमने आपके लिए एडिशनल ऐड करवा दिया, आपको मिल जाएगी, ठीक है, नहीं मिली तो अपनी आईडी अपने ग्रुप पे भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, आई होप आप ग्रुप पे जुड़े होंगे। चलिए ठीक है, ओके, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए यानी कि अल्टरनेट बीरिंग, क्या रहेगा अल्टरनेट बीरिंग, बिल्कुल ये कह रहा है पॉलीमिलान नालाय को धुनेंगे तुमको, इतनी रैपिड फायर क्वेश्चन गलत करोगे धुन देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फील्डलेस इन बनाना ड्यू टू, बनाना में सीडलेस क्यों किस वजह से होती है, स्टेनोस प्रोमोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए बहुत तेजी के साथ। बनाना बताइए किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, सीडलेसनेस क्यों होती है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्लियर किया है बहुत तेजी के साथ, बहुत अच्छे तरीके साथ। आंसर प्रत्युत्तर देना चाहिए, 50 लाइक तुरंत कर दो बेटा, लाइक बटन में तुरंत कर दिया, 50 लाइक होना चाहिए। आंसर क्या रहेगा बेटा इसमें, बी यानी कि वनस्पतिक पार्थेनोकार्पी यानी कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इसके अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, आपका अंदर क्या है, आपका सिट्रोमिलो हाइब्रिड यूज इन अल्ट्रा असिस्टेड डिस्टिलेशन इन ड्राइव फ्रॉम द, तो ये आपके काम का आंसर नहीं है, ये एमएससी एंट्रेंस के हिसाब से है, एमएससी एंट्रेंस के बच्चे वो इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या रहेगा, ए यानी कि ट्राइफोलेट ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंचन एक चेन सीडलेस आंवला ड्राइव फ्रॉम, बताइए कंचन जो होती है ये आंवला की वैरायटी है, पहले तो याद रखिएगा कंचन किसकी वैरायटी, कंचन आंवला की वैरायटी है, ये किससे ड्राइव की गई है, तो ठीक है, तो ये आके चकिया के सिलेक्शन से आपके कंचन को विकसित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात खत्म कहानी, देख रहे हो 4 मिनट हमें लगने दिए हैं, 4 मिनट में रैपिड क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। हाँ चलिए आप देख लेते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेटा एमएस आपके एफओ बैच की, वो बिल्कुल आपके नए बैच के अंदर इनरोल कर लीजिएगा। नए बैच में आपको प्रॉपर टाइम पर क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें आपको अलग से
ठीक है, ई बुक्स वगैरह भी अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, प्री भी मिलेगा, मेंस मिलेगा, ये सब चीजें आपको नए बैच मिलेंगी, ठीक है। आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो यूज करना है Y612, जैसे ही Y612 ए यूज करोगे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और ये पूरा बैच कुछ 3,000 के आसपास पूरा बैच अवेलेबल आपको प्राप्त हो जाएगा आराम से, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कॉइंस भी मिलेंगे, उनको भी इसमें यूज करेगा तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे Aagaash 3.0 अगर आप मेरे से पूरी हॉर्टिकल्चर पढ़ना चाहते हो तो Aagaash 3.0 ऑलरेडी बैच चल रहा है, नया बैच आपको 1-2 महीने में प्राप्त होगा, तब तक इस बैच के अंदर एनरोल करके अपनी तैयारी को बूस्टर डोज दे सकते हो। चलिए, इनका जो बच्चे MPRO की तैयारी कर रहे हैं, MPRO या टेक्निकल असिस्टेंट UPTA की तैयारी कर रहे हैं, वो हम बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल Y612 एक कोड के साथ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ टू एनरोल। सिंपली जाना है आपको, जाने के बाद यहाँ पर अड्डा 24/7 सर्च करना है या आपको डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है और ऑल कोर्सेज में, ठीक है, आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है और IPS एफओ में जाना है। ये IPS एफओ में जाओगे तो आपको नया बैच 14 अप्रैल से दिखा रहा होगा, ठीक है, 12 मंथ की इसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अलग अलग फैकल्टी से पढ़ाएंगे, प्लस इसमें आपको पूरा अवेंजर बैच प्री के लिए कौन पढ़ाएगा, फिर प्री के लिए अवेंजर बैच मिलेगा, उदिशा मैम, सौरभ सर और शांतनु सर का अवेंजर बैच इसके अंदर दिया जाएगा, तो डोंट वरी रहिएगा उसके लिए, ठीक है। प्राइस को आप यहाँ पर लो मिल जाएगा आपको Y612A, जैसे आपने Y612 लगाया 3200 दिखा रहा होगा, कॉइंस यूज करना 3000 के आसपास पूरा बैच आपको प्राप्त हो जाएगा, प्री भी, मेंस भी और प्लस आपको इसमें ईबुक्स भी अवेलेबल करवाई जाएगी। क्लियर है बात? ओके, आगे देखते हैं। बाकी जो बच्चे MPRO की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका MPRO का बैच है, ठीक है, जिसमें कि आपको पूरी फैकल्टी पढ़ाएंगी, कंप्लीट बैच है। और इसमें एक बात और मैं और बता दूं आपको कि इस बैच में आपको एक चीज और मिलेगी, ठीक है, पहले मैं इसको दिखा दूं प्राइस कितना है। वाई नाउ पे क्लिक करना है, Y612A यूज करना है, यूज करते 2000 रुपए का दिखा देगा। और हाँ, इसमें 2000 से भी कम मिलेगा आपको, जब आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। कूपन कोड Y612A लगाना है, इसमें GKGS 100 नंबर की रहेगी, पूरी आपको इंक्लूड करवाई जाएगी, रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगी और प्लस आपको क्या रहेगा, आप पूरी एग्रीकल्चर क्लास रहेगी और अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही कोई फैकल्टी पढ़ाएगी, एक ही फैकल्टी नहीं पढ़ाएगी बेटा, अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएंगे, जो स्पेशल फैकल्टी वो आपको पढ़ाएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 2 महीने के अंदर सिलेबस करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमारे पास अलग अलग फैकल्टी है, 1 घंटे डेली पढ़ा के आपका काम नहीं चल सकता ना, इसीलिए आपकी हर एक फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, जिससे कि आपका टाइम पर सिलेबस खत्म होगा और साथ साथ आपको रिविजन का टाइम भी दिया जाएगा, मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट भी क्लास में प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है, इस बैच के अंदर। तो Y612 लगा के आप नोट कर सकते हो। हाँ, ओनली एफओ इंग्लिश का मिलेगा बेटा, अभी ओनली एफओ इंग्लिश का बैच अवेलेबल नहीं है, होगा तो मैं आपको जल्दी जल्दी ही अवेलेबल करवाऊंगा और आपसे बातचीत जरूर करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे अपना ख्याल रखिएगा, कूपन कोड Y612 यूज करिएगा, डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करिएगा और डेली फ्री कोर्स को भी अटेंड करिएगा। हाँ, अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर हॉर्टिकल्चर बाय आकाश सर कम्युनिटी में आपको ग्रुप मिलेगा, हॉर्टिकल्चर बाय आकाश सर, उसको फॉलो कर लीजिएगा और मेरे से कोई भी बात आप कह सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो मैं आपका 1 मिनट और हूँ आपके साथ। हाँ हाँ राज बेटा, मैंने आपकी बात सुन ली है, जरूर मैं अगर जैसे ही होगा आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, PhD की प्रिपरेशन का भी कोई बैच स्पेशल नहीं है, आपकी जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो सब्जेक्ट आप मुझे हॉर्टिकल्चर बाय आकाश बता दीजिएगा, तो मैं किसी से कंसल्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है, तरुण रावल जी। ओके, चलिए, और कोई किसी को डाउट, और कोई डाउट किसी को, फटाफट 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 बोलो, ठीक है। तो रात को 8 बजे आपके लिए स्पेशल क्लास होती है बच्चा, रात को 8 बजे उस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना, और 3:30 बजे भी आज जुड़ना, ठीक है, आज आपके लिए कुछ खास चीजें हैं, आपको 3:30 बजे जुड़ना है, ठीक है। बाकी रात को 8 वाली क्लास आपको अटेंड करनी ही करनी है, तो कोई इफ या कोई बट है ही नहीं, ठीक है। आज हम लोग सिम्टम सॉल्व करेंगे, 8 वाली क्लास में सिम्टम बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उनको जरूर अटेंड करना और आज के नोट्स बना लेना, आज अगर आपने नोट्स बना लेना बेटा तो बहुत कुछ हेल्प करेगा आपको, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में रात को 8 बजे, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। MPRO के बैच में या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के बैच में या फिर क्रिफ्को के बैच में या फिर आपके एफओ के बैच में, इन ऑल ओवर बैच को एक साथ आपको महापैक के अंदर प्राप्त हो जाएंगे, उनको ले सकते हैं आप। अलग अलग बैच के लिए Y612 एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल।